हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इस टॉपिक पे इससे पहले भी कई वीडियोस आपको मिल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये इस चीज़ को ध्यान में रखकर इन वीडियोज़ को अपलोड कर रहा हूँ कि आप विशेष टॉपिक पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू को देखेंगे, उतने ही क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर होंगे। तो इसलिए काफ़ी सारे वीडियोस एक टॉपिक पे मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो हम देखेंगे आपका सबसे पहला क्वेश्चन, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो ब्लड का जो रेड कलर होता है वो किस वजह से होता है? ये होता है हीमोग्लोबिन से। और आपके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हीमोग्लोबिन किससे बना होता है? हीम और प्लस किससे बना होता है? ग्लोबिन से बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन से। तो हीम क्या है? हीम क्या है? एक आपका पिगमेंट है जो कि क्या करता है, ब्लड को लाल कलर देता है, रेड कलर देता है। और ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन एक प्रोटीन है, ठीक है। तो हीम एक पिगमेंट है और ग्लोबिन प्रोटीन है, और ये क्या करता है, हमारे ब्लड में, ब्लड के माध्यम से क्या करता है, जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसको पूरा सप्लाई करता है पूरी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। हीमोग्लोबिन का मेन काम ये होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा बी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में होता है क्या? होता है तांबा, लोहा, मैंगनीज और जस्ता। तो हीमोग्लोबिन में होता है आपका लोहा। जैसे कि आप देखते हैं कि कभी कभी हमारे ह्यूमन आपके ब्लड में क्या, आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा होता है, आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है क्या? है हीमोग्लोबिन का कार्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परिवहन है, जीवाणुओं का नाश है, रक्ताल्पता का निवारण है, लौह का उपयोजन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है क्या, ऑक्सीजन का परिवहन होता है, यानी ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, ठीक है। और ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? किसका महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाणु एंड जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का। तो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? यह है आरबीसी, ठीक है। आरबीसी हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। एंड तो यानी आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? ओके, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त यानी प्योर ब्लड क्या है, फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? यह है आपका फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा क्या है? साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, यानी डी आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ठीक है, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, इसमें आपका आंसर क्या होगा, लोहित कोशिकाएं, ठीक है। लोहित कोशिकाएं क्या होती हैं? रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन और हेपेरिन। तो शरीर के भीतर रक्त किस वजह से नहीं जमता है? यह है आपका हेपेरिन की वजह से। डी ऑप्शन इज राइट। हमारे ब्लड में क्या, हेपेरिन पाया जाता है जिसकी वजह से शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। ओके, और जब ब्लड शरीर से बाहर निकलता है तो कैसे जमता है? ये प्लेटलेट्स की वजह से जमता है, और इसकी वजह से क्या होता है, 2 से 3 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर ब्लड का क्या होता है, क्लॉटिंग बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं? ओके,
तो ऑप्शन से श्वेत रक्त कोशिकाएं, बेसोफिल्स, लाल रक्त कोशिकाएं एंड स्नोफिल्स। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या हैं? हमारे श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या हैं? हमारे मानव शरीर में सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं, क्योंकि क्या जो WBC होते हैं, जब भी हमारे ह्यूमन बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है या कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर को हमारे शरीर में एंटर करता है, तो WBC क्या करती हैं, वो जो भी इन्फेक्शन संक्रमण होता है बैक्टीरिया वायरस से, तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है और उससे हमारे ह्यूमन बॉडी की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें आपका आंसर होगा ए, WBC। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो ऑप्शन है मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, स्नोफिल और न्यूट्रोफिल। तो इसमें आपका आंसर होगा लिम्फोसाइट। ठीक है, तो लिम्फोसाइट जो WBC के टाइप्स हैं, लिम्फोसाइट, स्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट। तो इसमें लिम्फोसाइट क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती हैं हमारे मानव शरीर में। तो इसमें आंसर क्या होगा, बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लाल रक्त कणिकाएं RBC किस नाम से जानी जाती हैं? ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स एंड स्नोफिल्स। तो लाल रक्त कणिकाएं जानी जाती हैं किस नाम से, एरिथ्रोसाइट्स। ओके, RBCs को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट हमारा है, से लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? ओके, तो ऑप्शंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क, अस्थिमज्जा यानी लंग्स, हार्ट, ब्रेन एंड बोन मैरो आपका। ठीक है, अस्थिमज्जा को क्या कहते हैं, बोन बोन मैरो भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अस्थिमज्जा में ही क्या होता है, लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBCs का निर्माण होता है। यानी आपका आंसर क्या होगा, डी, डी आंसर इज राइट, अस्थिमज्जा बोन मैरो कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एकृत, अस्थिमज्जा, प्लीहा, परिशोधिका। तो RBCs का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लीहा को क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्प्लीन कहते हैं। ठीक है, स्प्लीन कहते हैं प्लीहा को। और RBCs क्या होती है, यहाँ पे इनकी मृत्यु होती है, इसलिए इसको RBCs का कब्रिस्तान या कब्रगाह कहा जाता है। सी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो भी क्वेश्चंस मैं लाता हूँ आपके होने वाले एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होते हैं, तो आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए इन क्वेश्चंस का। तो इसमें आपका क्वेश्चन है, RBCs का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 दिन, 150 दिन, 180 दिन और 190 दिन। ठीक है, तो मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है आपका 120 दिन, यानी RBCs का लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 दिन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? ये होता है आपका अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में, डी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? फ्रेंड्स ये क्या है, रिपीट है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में, यहाँ पे उच्च उन्नतांश का मतलब है हाई एल्टीट्यूड, यानी जब आप पहाड़ों पर बहुत ही ऊंचाई पर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ RBCs का क्या होता है, RBCs की संख्या क्या होती है, उनका आकार बढ़ेगा, उनका आकार घटेगा, उनकी संख्या बढ़ेगी, उनकी संख्या घटेगी। ठीक है, तो जो RBCs होती हैं उनकी संख्या क्या है, बढ़ेगी। ठीक है, मानव शरीर में RBCs की संख्या बढ़ेगी, यानी आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सफ़ेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है? WBC का मुख्य कार्य क्या है?
CO2 ले जाना, O2 ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सफेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, क्या उसको धारण करना, यानी इम्यून सिस्टम को WBC क्या है, ह्यूमन स्ट्रांग करती है, जिससे कि हमारा शरीर रोगों से रक्षा कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कण रुधिराणियों की कौन सी किस्म अधिक होती है? ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या किस्म अधिक होती है? किसकी अधिक होती है? स्नोफिल, बी बेसोफिल्स, सी लिम्फोसाइट्स एंड डी न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स की संख्या क्या है? न्यूट्रोफिल्स की संख्या क्या है? सबसे अधिक होती है श्वेत रुधिर कणिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? RBC, WBC, पट्टिकाण और जीव द्रव्य। पट्टिकाण का अर्थ यहाँ पे प्लेटलेट्स है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? WBC होगा। ठीक है, WBC क्या होता है? जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो उसके खिलाफ कौन एक्शन लेता है? WBC लेता है, क्योंकि ये रोगों से हमारी रक्षा करता है, संक्रमण से रक्षा करता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम तक मिलते रहेंगे। और सारे अपडेट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका जो आप सर्च कर सकते हो प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट के नाम से, और उसको आप सर्च करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको उस पर सारे अपडेट्स और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।